हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरा के बारे में। आप भी पहली बार सुना होगा, हम भी पहली बार सुना है। सो ये अमेजोन में बहुत ही सस्ता में मिल रहा था, काफ़ी कैमरों से सस्ता में मिल रहा था, तो मैंने परचेस कर लिया। तो इस तरह से इस तरह आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। यह डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड दिया हुआ है। और अनबॉक्सिंग से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो अभी हम लोग बॉक्स को ओपन करके देखेंगे। सबसे पहले बॉक्स ओपन होने के बाद आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन बुक जो ये कैमरा का है, तो इसको साइड में रखते हैं। फिर आपको मिलेगा ये HDMI केबल बॉक्स के अंदर में, और ये है चार्जर। दो बैटरी यहाँ चार्ज कर सकते हैं, और दो बैटरी दिया हुआ है ये यहाँ पे। और ये है चार्जर टाइप ए टू माइक्रो USB, और ये है लेंस। यहाँ माइक्रो लेंस और वाइड एंगल लेंस दोनों साथ में दिया हुआ है, तो इसको खोल के देखते हैं। तो ये है, इस तरह आपको देखने को मिलेगा माइक्रो लेंस और वाइड एंगल लेंस। तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये है बैटरी, यहाँ दो बैटरी दिया हुआ है बॉक्स के अंदर में, सो इसको भी साइड में रखेंगे। तो फाइनली ये है हम लोग का कैमरा जो बहुत ही सस्ता है और देखने को बहुत ही कूल भी लग रहा है। सो ये ब्लॉगिंग करने के लिए आसान है क्योंकि ये फ्लिप भी होता है, तो ये कारण था मैंने इसको लिया है। और यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, या हम लोग लगाया हुआ है पहले से। और यहाँ पर आपको HDMI केबल और चार्जर, और यहाँ पर एक्सटर्नल माइक भी सपोर्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है, आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। तो इसको अभी ओपन करके देखेंगे थोड़ा। ये हम ब्रांडिंग इलेक्ट्रॉनिक 4K अल्ट्रा HD तक रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको खोल के बैटरी डाल के आपको दिखाएंगे अभी। इस तरह लगेगा, तो ये लग चुका है। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे। तो ये है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड आया है। सो अगर इसके बारे में बात करें तो, इस कैमरे के बारे में बात करें तो, ये है मैं 48 मेगापिक्सल का, और वाइड एंगल्स कैमरा सपोर्ट करता है, और मैक्रो भी सपोर्ट करता है। 4K अल्ट्रा तक वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, और कैमरा सेल्फ टाइमर है, लुक वीडियो भी कर सकता है, और कंटिन्यूस फोटोशूट भी किया जा सकता है। और इसका सबसे खास बात है ये है कि एक्सटर्नल माइक भी सपोर्ट है, तो यूट्यूबर्स के लिए, जो नया नया यूट्यूबर्स है जैसे कि मैं, तो काफ़ी काम आ सकते हैं। और आप इसको देख सकते हैं, ये फ्लिप स्क्रीन भी है, वो भी सपोर्ट है, और काफ़ी है यहाँ पर। आप इसको चार्जिंग करते वक्त भी इसको यूज़ किया जा सकता है। HDMI डायरेक्ट आप TV पर भी अटैच किया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छा है ये कैमरा। आप अगर इसको लेना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेकिन इसका एक खास हमको, एक चीज़ आपको मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है ऑटो फोकस। ये फोकस इतना अच्छा नहीं करता है, तो इसका ऑटो फोकस बहुत ही गंदा है। तो बाकी सब तो ठीक ही है, मोबाइल कैमरा से तो बेहतर है। ये 16x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है, तो जूम इतना खास तो है नहीं, पर भी टिकटा की है, सस्ता है तो टिक ही है थोड़ा। और एक बात आपको पता है, इसका जो फ्लैश लाइट है, आप इसको ऑन करते करते भी यूज़ किया जा सकता है, और ये रात का अंधेरा में बहुत ही काम आएगा वीडियो शूट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये फीचर, जो बहुत ही अच्छा है। तो बाकी सब कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जाने से पहले आप सभी लोग एक काम करें, बिल्कुल जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले वीडियो पर।
जय हिंद, जय भारत।